स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्ट श्रुताभ्याम् मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। कहते हैं भाई देखो, जिस शरीर का तुम मोह कर रहे हो उस शरीर को भी तुम जीते जी भूल जाते हो, जो स्वप्न में चले जाते हो तुम ये जागृत शरीर को भूल जाते हो जिसके मरने का तुमको डर लगा हुआ है। जब जागृत में रहते हो तो जब मनोराज्य करने लगते हो तब भी जी जागृत अवस्था में बैठे बैठे तुम अपने आप को भूल जाते हो, चलते चलते आदमी अपने आप को भूल जाता है, चल रहा है सड़क में और आगे से आप आ रहे नमो नारायण बोल रहे हो उसको दिखाई भी नहीं दिया, चल रहा है क्या हो रहा है अन्यत्र मनोभवम, उसका मन जाने कुछ लड्डू पेड़ा खा रहा है अपने, कहां घूम रहा है क्या कर रहा है भगवान जाने, सड़क पे चल तो जरूर रहा है। इसको कहते हैं मनोराज्य। दोनों दृष्टान दे रहे, जिस जागृत कालीन शरीर के मरने के वजह से उस निमित्त के कारण तुम अपने बहन को मरना चाह रहे हो इसको तो नित्य तुम अनेकों बार भूल जाते हो। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् कहते दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन्, जो इस दुनिया में जागृत काल में आपके द्वारा देखा हुआ है और सुना हुआ पदार्थ है उन्हीं लोगों को मन के चिंतन करते करते जब आदमी सो जाता है, यथा देहम ईदृशम स्वप्न पश्यति, जी हाँ देह में इस प्रकार के जिस प्रकार के देह का तुम मोह कर रहे हो इसी प्रकार के देह को तुम स्वप्न में बना के देखते हो, उसे घूमते फिरते हो सारा काम कर लेते हो, जब जग जाते हो तो सब खत्म हो जाता है, तुमको दुख नहीं होता, वो शरीर मर गया स्वप्न का शरीर वो खत्म हो गया उसका आपको कोई दुख नहीं है, तो जागृत के शरीर के मरने के पीछे क्यों दुख मनाते हो। मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतन, मनोरथ के द्वारा भी अभिनिविष्ट चेतन वाला जो होता है ना वह भी अपने शरीर को भूल जाता है। तत् किमपि ह्यपस्मृति ही, बताओ क्या तुम्हारे शरीर को तुम भूलते नहीं हो। अतएव जीते जी स्वप्न काल में मनोराज्य काल में मूर्छा काल में अनेक अन्य कालों में क्या होता है आप अपने स्थूल शरीर को भूल जाते हैं। जिसके प्रति इतना मोह है उसके प्रति उसको भूलना कैसे संभव है बताओ, यदि भूलना संभव है तो इसका मृत्यु से डरना क्यों फिर। यतो धावत दैव चोदितम, फिर मन में आ सकता आशंका कंस का, फिर भी देखिए फिर हमें यह शरीर ऐसे क्यों मिल रहा, यदि मिथ्या ही है शरीर, स्वप्न के दृष्टांत आपने दिया मनोरथ के दृष्टांत की तरह दे रही है कि यह शरीर मिथ्या है इसे इसका जन्म मृत्यु को लेकर तुम्हें दुख सुख नहीं मनाना चाहिए, यदि ऐसा कहते हो फिर शरीर मिलता है क्यों है क्या कारण है। तब कहता है यतो धावत दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहियसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते यतो धावति दैव चोदितम्। अपने कर्म से प्रेरित होकर तुम्हारा मन जिस जिस योनि के प्रति दौड़ता है, हैं विकारात्मकम आप पंचसु, तब पंचभूतात्मक जगत में आप पंचभूतात्मक शरीरों को विकारात्मक शरीरों को ही प्राप्त करते हो। देह से पंचत्व समय पंचसु गुणेशु भूतेशु, इस देह का मरकर पंचभूत में लय होके समय में पंच गुण पंचसु गुणेशु भूतेशु पंच गुणात्मक इन भूतों में ही क्या होता है माया रचितेशु, माया के रचित है ये नाना देह रूपेण रचित और दैवेन कर्म, जब अपने फल देने के लिए अभिमुख हो जाते हैं, हाँ पहले विचार आ चुका है, हाँ जब मौत होता है तो क्या होता है पूर्व श्लोक में समाप्त में क्या कहा था, जलुका के समान यह था ना जोंक के समान, घास पर बैठा हुआ जोंक क्या करते हैं वो घास पर पैर रखे हुए हैं अगला पैर तब उठाएंगे तब हिलते हिलते रहते हैं, कोई आश्रय मिल गया तो पट उसको पकड़ लेंगे और पीछे को छोड़ देते हैं। आप भी जब चलते हैं दोनों पैर उठा उठा के चलते नहीं है, अगला एक पैर उठा के आगे रख देते हैं, जब उसको आश्रय पहुंचाया धरती पे तब दूसरे पैर को उठाते हैं। इन दृष्टांतों से पहले समझा चुके हैं मरने के बाद शरीर नहीं मिलता है,
मरने से पहले अगला शरीर मिल जाता है। इस शरीर में जीते जी मरने के पूर्व क्षण में सारे कर्म जाकर इकट्ठे हो जाते संचित और क्रियमाण, और जो फल देने योग्य हो जाते हैं वे अपने बलवान जो होते हैं, कर्म देने को उत्सुक हैं जो, वे कर्म प्रदाता फल प्रदान करने के लिए तैयार जो कर्म है वो विधि के विधान के आधार पर वे प्रारब्ध कर्म के रूप में न अगले शरीर का जो योनि को दिखा देते हैं, उस शरीर को दिखा देते हैं। हाथी घोड़ा मनुष्य जो भी बनना है वो आकार आपको दिखाई देने लगता है और उसमें आपका मन अभिमान करता है, यही मैं हूं ऐसा ग्रहण कर लेता है, तब ये शरीर यहां छूटता है। जब तक अगला शरीर का ग्रहण नहीं हुआ बुद्धि से तब तक ये शरीर छूटता नहीं। इसे कहते भूत प्रेत बनी घूमता है, उसको वही योनि दिखा, भूत योनि दिखाई देता, प्रेत योनि दिखाई देता है, भूत प्रेत योनि में चला जाता है, कि वही उसके लिए अगला शरीर हो गया। इसलिए कहते हैं ये सब कैसे होता है, दैव चोदितम, देव से अर्थात जो देव ने स्वकर्म फल जो देने के लिए तैयार है, कर्मणा चोदितम नाना विकारात्मक मनो, नाना विकारों को प्राप्त कर लिया मन क्या करेगा, जिस जिस शरीर को देव योनि त्रिय योनि किसी भी चीज को ग्रहण करता है प्रतिधावती जिसकी ओर दौड़ता है, एवं स्वमाया रचितेशो सौ पुमान, इस प्रकार से जो है यह पुरुष क्या करता है, असो देही, ये जो देही है जीवात्मा है, सह तेन जायते, उस योनि को प्राप्त करता हुआ उसी शरीर के साथ बाद वहां जाकर के जिस देश में होना है वहां जन्म ले लेता है। इसलिए आप जिस चीज के अभी चिंतन करते हुए स्मरण करते हुए ज्यादा चिंतन मनन करोगे अंतकाल में क्या है, वही स्मरण में आएगा, जो स्मरण में आएगा वही योनि में आपको जाना पड़ेगा। सब जगह यही लिखते हैं, इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए हम नित्य परमात्मा चिंतन ही करते रहे, वेदांत चिंतन करते रहे, अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन लगातार चलते रहे, मौत के समय भी अहम ब्रह्मास्मि मुंह से आवे और मन से चले, केवल मुंह से आने से नहीं बोलता ना, मुंह से आने के बाद में मन जो है शरीर को छोड़ने लगता है, उस बीचों सारा काम खराब हो जाता है, ये सारी इंद्रियां जब ठंडे पड़ जाते हैं उसके बाद ही तो खराब होता है। जब तक इंद्रियां तब तक आप भले ही सतर्क रह सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, सब कुछ है, जब इंद्रिया धीरे 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 विक्षिप्त होकर समाप्त हो जाते, शांत होने लग जाते हैं, लय होने लग जाते हैं अपने अपने कारणों में, मन प्रदान होकर के जब शरीर रहता है उस समय प्रारब्ध कर्म मन को जो है चला देता है, आग सारा जिंदगी में किया हुआ सारा चीज किनार रह गया, यदि प्रारब्ध कर्म विरुद्ध हो गया तो। इसलिए होता है कि जीवन भर इसी चीज का चिंतन करे ताकि प्रारब्ध कर्म भी इसके अनुरूप ही हो, इसकी कोई विसदृश नहीं होनी चाहिए, उसे जितना दृढ़ उपासना निष्काम कर्म ये सब करेंगे उसके ऊपर निर्भर है, और जितना अपने सांसारिक पदार्थों उलझे रहेंगे वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा सांसारिक पदार्थ ही उसको स्मृति में जरूर आएगा, भले ही वो रट रहा है बोल रहा है वेदांत सब कुछ है, क्योंकि जब तक मंच पे बैठा है और प्रवचन दे रहा था तो वेदांत है, कि 24 घंटा तो मंच पर बैठे बोलेगा नहीं, एक घंटा दो घंटा प्रतिदिन बोलेगा, ज्यादा तो भाई कथाकार है 3-3 घंटा, 6 घंटा हो गया मान लो एक दिन में, फिर भी 18 घंटा क्या कर रहा है बाकी, वो तो मुख्य है ना, वो बाकी 18 घंटे में मान लो भाई 8-9 घंटा सो गया, वो 9 घंटा बीच गया तो तमुगुण में बीत गया, वो 6 घंटा सत्वगुण में बीता और 9 घंटे तमुगुण में और बाकी रजगुण में बीत रहा है, उस रजगुण में बीतते वक्त में क्या आपकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती है उस पर निर्भर है ना सारा खेल। तो आदमी कैसे दावा कर सकता है मैं जरूर जो मरने के बाद ब्रह्मलोक जाऊंगा, जब इतना रजगुण प्रधान तमगुण प्रधान सारा जीवन कटा, सत्वगुण प्रधान तो कटी नहीं, जागृत में भी जितना समय जगे हैं उतने समय में भी पूरे की पूरी समय जो है सत्वगुण प्रधान होकर जीवन चला नहीं है, जब तो अन्य समय चिंतन ही क्या करना है। इसलिए भगवान गया कश्चित द्वितीय मान, बहुत कठिन काम है, गहना कर्मणो गति, इसलिए भगवान गीता जी में कहते कर्म की गति की कोई समझ नहीं सकता इसकी महिमा, आप चाहते कुछ चले होता कुछ और, आप चाहते हैं कि हम जीवन भर जो है दिन रात लगे रहे ध्यान भजन पूजन इसमें, यही सोचकर घर द्वार छोड़ बोड़ के आए और यहाँ आए तो वही चक्करों में फंस गए, फिर दो भंडारा है कभी कुछ है कभी कुछ चक्कर, कभी आश्रम के उत्सव हो रहा है कभी कुछ, और गाय बैल भैंस लिए घूम रहे हैं, भगत जगत क्या है,
गाय बैल भैंसी तो बेचारे उनको दोहन करने के पीछे लगे रहते हैं। जब पढ़ने से समय उसको इतना पीड़ा होती है कि बड़े बड़े योगी हैं। जरूरी नहीं है, पीड़ा की कोई जरूरी नहीं होती है। सुना है कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि कर्म के ऊपर सब निर्भर है। कर्म को कोई जरूर पीड़ा देगा, कर्म को अगला जन्म दिखा दिया, बात खत्म हो गई। पीड़ा इसलिए होती है कि इस शरीर का अहंकार को त्यागना ही पीड़ा है। क्योंकि अगले शरीर के अहंकार होता है ना, उसे पीड़ा होती है, क्योंकि शरीर में आसक्ति बनी हुई है वो अहंकार के कारण से। जैसे कोई चीज जगह आपसे मान लो कोई जबरदस्ती छीन लिया किसी ने, आप मान लो कोई मोहल्ले में आपको किराया के मकान, बढ़िया मकान मिला, लेकिन आपके मकान मालिक ने कहा गेट आउट, निकाल दिया किराएदारी से, बहुत पीड़ा होता है। क्यों? उस घर को आपको अच्छा लगा, बड़ा अनुकूल रहा, वह तरक्की हुई आपकी, खूब आमदनी भी हो गई, सब हर तरीके से अच्छा ही अच्छा था, अब वो छोड़ने की इच्छा होगी। एक तो टेम्पररी बनाया पराया का मकान, किराए पर बैठे हो, उसमें इतनी ममत कि निकलने को कहा तो पड़ा, तो और इतना दुख होता कहीं तो कोर्ट कचहरी में चले जाते, मालिक को परेशान कर देते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल मरने तक यही रहूंगा। अब बताओ किराए के मकान को लेकर इतनी हालत है, तो इस शरीर को कैसे छोड़ देगा आदमी? जैसा लिखा हुआ है वो तो मर्म प्रदेशों का दर, सब जगह से प्राण निकलती है ना, प्राण निकलते वक्त की बात है वो। प्राण निकलते वक्त की बात है, कहाँ वो तो कहाँ से आना है, स्मृति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जिसकी शरीर में निष्ठा होता है उसी को प्राण में निष्ठा है ना। ये किसके लिए सारी बात कर रहे हैं? आम गृहस्थी के लिए बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि जो है गृहस्थियों को तो अपने गृहस्थी धंधे में ही आसक्ति ज्यादा है, शरीर में आसक्ति ज्यादा है। खाए पिए पापिया बोल रहे थे, शरीर को बढ़िया से बढ़िया बनाए रखना चाहिए, थोड़ा बीमारी को बढ़ा लेना चाहिए, तारी दौड़ा और दवाई दुकानदार का काम चले, सबके धंधा चलते रहे, यही तो लक्ष्य हो गया। तो बात बनती वहीं से बिगड़ रही है मामला, कि हमारी निष्ठा कहां है? प्राण में है, अन्न में है, अन्नमय कोष में, प्राणमय कोष में जिसकी निष्ठा रहेगी उसको दुख दर्द होगा, जब प्राण निकलेंगे दर्द होगा उसको। और इसकी विज्ञानमय कोष में निष्ठा है, आनंदमय कोष में निष्ठा है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में निष्ठा हो जाए, उसको कहां से दर्द होना है? तो दर्द देने वाले स्थानों से आपने निष्ठा हटा लिया तो दर्द क्या को होगा? अब पत्नी में प्रेम मरा मर जाएगी तो दुख होगा, अब प्रेम नहीं है तो सारे गई तो अच्छा हुआ बोलेगा, वो भला छोटा, ये तो संसार में देखने को मिल ही रहा है। इसलिए लेकिन क्या है, स्वाभाविक है या आम आदमी के का ज्ञानी का कि वह अपने अन्नमय कोष और प्राणमय कोष में उसकी निष्ठा होती है, मनोमय विज्ञान में आनंदमय ब्रह्मपुच्छ तक जाना ये तो बड़ा कठिन मामला है, ये तो अच्छे अच्छे साधकों को भी तंग कर देते हैं, इसके ऊपर उठना आसान नहीं होता। जो भी तो उपासना किया है उस उपासना का बल पर उठ जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने क्या कर्म और ज्ञान का बीच में उपासना को रखा है, कि केवल कर्म करने वाले को कभी वो योग्यता प्राप्त ही नहीं हो सकता बिना उपासना। इसलिए क्या कहा, कर्म मार्गी को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग जाएगा, भोग करके वापस आएगा, छीने पुण्य मर्द लोगम विशंदी, इसलिए कहा। और यदि उपासना कर दिया तो उत्तरायण मार्ग से चल देगा। क्यों कह रहे कि उपासना का बल या ऐसा बल है जो आपको ये अन्नमय कोष प्राण से उठा करके मन में विज्ञान में तो पहुंचा देता है, तत्संबंधी लोगों को प्राप्त करा देगा, उत्कृष्ट लोगों को प्राप्त करा देता है। इसलिए हम लोग भी जोड़ देते हैं उपनिषदों में भी क्या केवल ज्ञान की चर्चा इसलिए नहीं हुआ, हर एक उपनिषद में कुछ कुछ उपासना को साथ दिया है कि बिना उपासना का तुम ज्ञान को पचा ही नहीं सकते, वह सामर्थ्य प्राप्त ही नहीं हो सकता मन बुद्धि में, कि उल्टा अहंकार वहां पर खेल खेलेगा, उस ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, वैराग्य का अहंकार हो जाता है, विवेक का अहंकार हो जाता है, त्याग का अहंकार हो जाता है, कारण उपासना का अभाव। जो उपासक होगा वो हमेशा ईश्वर प्रणिधान करेगा, जब ईश्वर प्रणिधान करे तो अपना अहंकार अपने आप ठंडा पड़ेगा, मैं हूं कुछ मानेगा कैसे, वो मान रहा है कि ईश्वर है तब भाई कुछ नहीं। ईश्वर को जान करके शास्त्रकार यद्यपि ईश्वर नाम का तो है ही नहीं, वास्तविक वेदांत दृष्टिया तो न ईश्वर है न जीव है, शुद्ध ब्रह्म, लेकिन अज्ञान काल में
इस अज्ञानी को अपना अविद्या के जो अज्ञान के जो जाल में फंसा पड़ा है उसे ऊपर उठाने के लिए बीच ईश्वर को मानना पड़ेगा। उस ईश्वर को माने बिना कोई व्यवस्था नहीं बन सकता, उन्नति नहीं हो सकती, अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकेगा। इसी बात को ध्यान में कहता है, देखो ये सब कुछ अपने कर्मों के कारण से हो रहा है। ज्योतिरथे वो दग पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचिते श्वसोपमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। कहते कि देखो ये बात तो सत्य है, भविष्यति व किमपि देहमात्र, लेकिन फिर भी शरीर नाम का चीज तो है ना। कंस कहता आखिर शरीर नाम का कोई चीज है और इससे हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, जगत का आनंद हम लूट रहे हैं, तो क्यों हम इसको त्यागें, हम क्यों इसको मरने दें। तुम्हें ऐसा कर तो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस शरीर में दोनों आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिर्थे वो दक पार्थिवेशु यथा गते देखो अस्त्य तथापि अस्य अतिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणाय अकृत्य क्रियते चेत। इसे राज शरीर जो मिला उसमें भी राजा का शरीर मिल गया, इसको तो रक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा कहते अकृत्य को भी करके कर रक्षा करनी चाहिए, यदि ऐसा कंस तर्क देता है तो वसुदेव जवाब देते कि देखो ये ठीक नहीं है ये तर्क, क्योंकि जिस राज शरीर को तुम अति प्रिय मान रहे हो वास्तव में प्रिय नहीं है। यह शरीर भी जिसके लिए प्रिय उस पर ध्यान दो। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने स्वरूप आत्मा है उसकी कामना की पूर्ति के लिए सारे प्रिय होते हैं। शरीर किसके लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है, इसे उस पर ध्यान दो। वो कहाँ है, कैसा है, तो उसको दृष्टांत समझा रहा है। ज्योतिर्यथैव इत्यादि से आधा चंद्र आदि ज्योति, वो चंद्रमा है, सूर्य इत्यादि है, ये सब ज्योति यथा एवं स्व अविद्या रचितेषु गुणेषु, उसी प्रकार से स्व अविद्या रचित गुणमय इस जगत में देह में असो रागेण अनुगत प्रविष्ट हो, राग से अनुगत होकर प्रविष्ट है। एक ही अग्नि है, एक ही ज्योतिर्मय तत्व है, वह सूर्य में तो कितना तेज होता है, इतनी सी बड़ी सी चंद्रमा भी आ जाए आपको बड़ा आनंद आएगा, बुरा नहीं लगेगा। क्यों? यह भी ज्योतिर्मय पदार्थ, वह भी ज्योतिर्मय पदार्थ, इन उपाधि उपाधि का भेद से उसका स्वरूप में अंतर पड़ गया। उसी प्रकार से एक ही चैतन्य आत्मा ब्रह्म है, विभिन्न शरीर रूपी बुद्धि उपाधियों के कारण से इन वासनाओं से वासित होकर के इन कर्मों से प्रेरित होकर के सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न स्वरूप का हो गए। ज्योतिर्थिव उदक पार्थिवेशु, उदक पार्थिवेशु कंपादि युक्तम, जैसे जो है जल है, जल में अलग ढंग से प्रतिबिंब पड़ेगा, जल में अलग ढंग से, तेल में अलग ढंग से प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य का, चंद्रमा का, सभी का है, तो वही एक सूर्य है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से उपाधि के साथ प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा भी लीजिए समीर वेगानुगतम विभाव्यते, समीर वेग वायु का वेग से युक्त होकर के कंपा से युक्त होकर के भी प्रतीत हो जाता है। जब वायु से वह जल पर लहर आ जाए तो क्या हो जाता है, वह सूर्य भी लहराता हुआ दिखता है, वास्तव में सूर्य में लहर नहीं है। तद्दत यहां भी सब कुछ होता है, वास्तव में अपने आत्मा में कुछ भी नहीं, ये सब शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में। एवं स्वमाया रचित श्वसौ पुमान, इसी प्रकार से स्वमाया रचित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदियों में ही असौ पुमान गुणेश रागानुगत विमति, राग द्वेष से प्रेरित होकर के मोह को प्राप्त किया। तस्मा न कस्य चिद्रोहम आचरित तथा अविदः आत्मक्षेम मन विच्छन द्रोग दुर्वै परतो भयम्। इसलिए कस्य चिद्रोहम न आचरित, किसके प्रति भी द्रोह करना, घृणा करना या वदादि हिंसा करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स तथा अविदः, क्योंकि वह आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाला व्यक्ति, आत्मक्षेम विच्छन अपना कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति को कभी ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। द्रोग द्रुवई परत भयम, और द्रोह करने वाला जो होता है उसको परमात्मा से अवश्य भय होता है। यह अमूत्र जब भयम इति भेद दर्शिता, यह अमूत्र यहां भी भय है
वहां भी भय ही मिलेगा, कहीं भी जाओ वह भय से युक्त होगा जिसके अंदर राग द्वेष आदि होगा। यत्र द्वैतम वो भवती तत्र भयम भवती कहा गया, जहां द्वैत के समान हो जाए तो भय है, तो द्वैत ही जिसने कर दिया उसको तो कहना ही क्या, वो तो भय में डूब गया। ये शातवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा हं तुम नारस कल्याणी इमान तम दीन वत्सल। शरणागत के वत्सल, तुम जो है ना, तुम्हारी बहन है तब अनुजा, छोटी बहन है वो भी, बाला अभी छोटी आयु वाली भी है और इस समय कुछ भी करने में समर्थ, बोल भी नहीं सकती क्योंकि कहां है वो, विदाई समारोह के समय में। विदाई समारोह में लड़की कुछ नहीं बोलती, गूंगी बन के केवल वो अजाज दाम को मैं आंसू गिरा देगी बस। माता पिता से वियोग हो रहा है, पति के घर जा रही है, ऐसे में कन्या बोलेगी क्या? इसलिए कृपणा है इस समय, पुत्र को उपमा तुम्हारे लिए तो खिलौने के समान है, ऐसे को तुम मार रहे हो। हं तुम नारसी इमाम कल्याणी, कल्याण प्रदान करने वाली, इसको जो है ना मारना उचित नहीं है। बहुत बढ़िया से वेद वेदांत के आधार पर, श्रुति स्मृति के आधार पर, लौकिक और अलौकिक दृष्टांतों के माध्यम से खूब बढ़िया समझाया, लेकिन उसकी अकल में थोड़े समझ में आए। वो तो समय उसको एक ही चीज रहे, मेरा मौत मेरे सामने खड़ा है, उसको एक ही चीज लग रहा है, ये देव की ही मेरी मौत। श्री शुकुवाच, शुकदेव महाराज कहते एवं सामबीर देव साम सामबीर भेद बोध्यमानो पितारुण न निवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुवृत। पुरुषादान अनुवृत, पुरुषाद कहते राक्षस असुर लोग, उनके अनुसरण करने वाला होने के कारण से वह जो है बिल्कुल बातों को सुनता ही नहीं। हे कौरव संबोधन, हे परीक्षित सुनो, एवं सामभिर भेद, दो उपायों को इस्तेमाल किया है, साम और भेद। साम ये कि वेद वेदांत से समझाया और डर भी बता दिया भेद में, देखो तुम ऐसा भेद बुद्धि करोगे तुम सदा भय में पड़े रहोगे, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, तुम्हें इसमें शांति नहीं मिलेगी, चाहे किसी लोक में जाओ वहां भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। साम और भेद दो साधनों को इस्तेमाल किया है, बोधित कराने को प्रयास किया, भाई इसकी जगाने का प्रयास किया, लेकिन दारुण वो भयंकर जो है नान्यवर्तत वह निवृत्त नहीं हुआ। क्यों? पुरुषादान अनुवृत, असुरों का ही अनुसरण करने वाला नित्य होने के नाते उसको बुद्धि विवेक जगाने के प्रयास करने के बावजूद भी वह जगता नहीं। जैसे भक्ति शुरू में कितने विवेक और वैराग्य दोनों मरे पड़े थे बुढ़ा होकर के, उसको बड़ा कोशिश किया, नारजी पंप मारा, गीता वेद वेदांत सुना सुना, सुनता ही नहीं तो उठता ही नहीं, बड़ी पंपिंग की नारजी ने, लेकिन कुछ नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने से भी क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। परंतु भागवत सुना तब दोनों के दोनों जग गए, भक्ति तो जवान थी, विवेक और वैराग्य दो संतान बूढ़े हो गए थे, तो विवेक और वैराग्य जगह भागवत सुनाने के बाद, तो पुनः जवान हो गए, ये कहा है वहां, अर्थात क्या है, भागवत में विवेक और वैराग्य प्रदान है, तभी तो उसको सुनते ही बराबर दोनों जवान हो गए, और बाकी सारे सुनते रहे लेकिन उससे जवान नहीं हुए, बूढ़े ही पड़े रह गए। इसी को सुनने के बाद उनकी वापसी जवानी आई का मतलब भी है, पूरे भागवत विवेक वैराग्य ज्ञान ही भरा पड़ा, लोग इसको भक्ति प्रधान घटा देते हो, गलत, विवेक वैराग्य ज्ञान प्रधान पर किस को घटानी चाहिए, तभी सही घट, इसका लक्ष्य ही वही था, वैराग्य और विवेक को जगाना है, ज्ञान की ओर ले जाना है, यही लक्ष्य से भागवत को सर्वप्रथम प्रकट ही हुआ है। तो क्या करें, तो आप जैसे लोगों के लिए जरूरी होगी ना, क्योंकि जो एक गृहस्थी लोग भक्ति से भी दूर हो गए, वो क्यों, वो लोग जो कह रहे हैं वो भक्ति इसलिए प्रदान कर क्योंकि उनके सामने जो बैठे सब हैं, सब 420 सब कैसे लोग बैठे, 420 लोग ही बैठे हुए, सब दोनों पर धंधा करने वाले लोग हैं, है ना, नौकरी में भी चोरी करते हैं, नौकरी में भी चोरी जानते हैं ना, हाँ
आठ घंटा जाना है, चार घंटा जाएंगे, वो चार घंटे में कुछ गप्पे सप्पे, वो चाय पीने में, इतने में चला जाता है। ईमानदारी की नौकरी कौन कर रहा है? तो सब इसलिए क्या है, दो नंबरी जनता है, उनके लिए इसलिए कहना पड़ता है भक्ति करो, उससे तुम्हारा अंतकरण कुछ पाप दूर होगा। इसलिए वो लोग इसको पूरा भक्ति पर घटाते, आम जनता के सामने उचित ही है। आम जनता तो वेदांत योग्य ने उल्टा नहीं तो वेदांत इस्तेमाल करेगा, अरे सब कुछ ब्रह्म है, जगत मिथ्या, क्या हो गया नौकरी नहीं करते क्या हो गया, एक दिन भी नहीं जाऊंगा पूरा तंखा लूंगा क्या हो गया, जगत मिथ्या। वो तो उल्टा सिद्धांत लगाएगा ना, इसलिए उनके वेदांत के योग्य है ही नहीं, वे मूर्ख है, महामूर्ख लोग है, वेदांत को फिर आसुरी वेदांत में ले जाएंगे। इसलिए भक्ति पर घटाना आम जनता के सामने में उचित है, अधिकारी को देख के पंक्तियों को घटाना चाहिए। हो सकता अपने वो जेब के लिए करते होंगे, नहीं 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 वो नहीं, वो उचित ही है, वो लायक ही से ही है, वो भी जानते क्यों नहीं, जो भी आज भागवत कथा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसने भी भागवत सुना है पहले, ये तो है नहीं, नहीं सुना, चाहे वृंदावन में सुना, चाहे बनारस में सुना, चाहे यहाँ सुना, चाहे कहीं सुना, और ज्ञान पर्व भी सुना है, ऐसी बात कही है, सब समझ रहे हैं, लेकिन बोलते वही है जो जनता को चाहिए, जरूरत वही है। बड़े बड़े वेदांत आचार्य लोग भी क्या है, जनता के सामने वेदांत क्यों नहीं बोल पाते, कि जनता उसके लायक है नहीं, जो जिसके लायक उसको वही ज्ञान दो ना। जैसे हम ही हैं, हम बच्चों के सामने जब बोलने लगते हैं, ये कहां से बोलेंगे सब वेदांत वेदांत, उन बच्चों के समझाना पड़ता है भगवान है, तुम गलत काम करो मत, दंड देगा वो अदृश्य दंड है, जैसा तुम्हारा दृश्य दंड दिखता ना तेरे को स्कूल में, होमवर्क नहीं करो तो क्या होता है, पढ़ता है उल्टा खड़ा कर देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, क्या क्या करते हैं, होता कि नहीं तुम्हारे स्कूल, हाँ होता है, इस तरह से भगवान का दिया वो होमवर्क को तुम नहीं करोगे तुम्हारा क्या होगा बताओ, वो भी दंड देगा उनको, तो पूरा यही बताना पड़ा, ये नहीं तुम ब्रह्मो, वो नहीं वहां पर चलेगा, तुम ब्रह्मो कह दिए तो उसको और नरक में डाल दोगे। इसलिए उचित है जो आम कथाकार कर रहे हैं, तीसरे कहते देखो निर्बंधन दसितंज्ञाता विचिन्त्य आनगदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। वसुदेव चिंतन कर रहा है क्या करें, ये तो पिंड छोड़ता ही नहीं तो पीछा पड़ेगा, अब कैसे इस समय जो आयो आपत्ति को प्रतिकार कैसे किया जाए, कैसे इसे बचा जाए, सोच नहीं लगा। तस्य तम निर्बंधं ज्ञात्वा उस कंस का यह दृढ़ निश्चय, देवकी की जो खत्म करने का जो निश्चय है, इसको जान करके आरक दुन्दुभिः वसुदेव चिंतन कर रहे, विचिन्त्य क्या चिंतन कर रहा है, इस समय जो आया हुआ संकट है उसका प्रतिव्योढुम मैं कैसे प्रतिकार कर सकूं, तत्र अन्वपद्यता चिंतन करके यह निश्चय पर आया, क्या निश्चय पर आया, मृत्युर्बुद्धिमता पोह्य यावत् बुद्धि बलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। लोग पूछते हैं आप तो ब्रह्मज्ञानी दवाई क्यों खाते हैं, जवाब ये दे दिया वसुदेव, क्या कहता है, मृत्युर बुद्धिमता अपोह्य, बुद्धिमान पुरुष कर्तव्य प्राप्त शरीर को अधिक से बचा करके ध्यान भजन करने के लिए प्रयास करने चाहिए, बुद्धिमता प्राप्त मृत्यु को अपोह्य कोशिश करो उसको दूर भगाओ, मृत्यु को दूर करो, यावत बुद्धि बलोदय जितने समय तक तुम्हारी बुद्धि से, बुद्धि की चतुराई से, बल से, औषधि मंत्र ग्रह शांति इत्यादि के द्वारा जो जो प्रक्रिया अपना सकते हो को अपनाओ, और किसी भी तरह से जिंदा रहने का प्रयास करो, करना ही चाहिए कहता है वसुदेव। यदि असव नहीं वर देगा फिर भी मृत्यु आ जाती है गले पे, आने दो तब, तब तुम्हारे कोई अपराध नहीं, ना अपराधोस्त देही ना, तब इस देह का कोई अपराध नहीं, प्रयास करना चाहिए जीने के लिए ताकि हम भजन कर सकें, क्योंकि शरीर जो मिला है वह कार्य करने के लिए इस शरीर को जहां तक हो सके बचाए रखना है, रक्षा करना, लेकिन शरीर मोह नहीं करना, तो शरीर को बचा के रखना ये नहीं इसलिए नहीं कि हम जो है माल पानी खूब खाएं और अधिक से अधिक भंडारा खाएं, उसके लिए नहीं, शरीर को बचाए किस लिए रखना है वो इंपॉर्टेंट है। लोग जो चारवाक बने हुए हैं, खाओ पियो और बिल्कुल तगड़ा भेंट पट पर और बिल्कुल मस्ती से बने रखा उसको,
भैया हम घोट घोट के प्योर बनाए रखो ठोस, हाँ वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है शरीर की रक्षा? वसुदेव जो कह रहा है वह लक्ष्य वास्तव में वेदांत चिंतन के लिए, साधना के लिए, इसलिए कहता है। और उसके बावजूद प्रयत्न करने के बाद मौत आती है तब तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। प्रदाय मृत्युवे पुत्रान, इस तरह सब सोचा, ये क्यों कह रहा है? अब मुझे भी किसी तरह से इसका मृत्यु को बचाने के लिए बुद्धि बल प्रयोग करना पड़े। शारीरिक बल से तो बचाना असंभव है, क्यों? अभी अब कोई लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, ये तो विदाई समारोह है, यहां कहां से अब शस्त्रास्त्र चलाएंगे? अब तो बुद्धि की युक्ति से ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है उसको कि अब किसी तरह से देवकी की मृत्यु को बचाना है, देवी की मृत्यु से बचाना है। उसने उपाय क्या सोचा? कहते भाई तुमने सुना क्या आकाशवाणी से, आठवां पुत्र ना मौत है तोरा, देवी की कहां तुम्हारी मौत? इसके पुत्र तेरे लिए मौत होंगे ना, फिर इसको क्यों मार रहे हो? हम तुम्हें सारे पुत्र दिया करें, उनको मार डाल दो बस खत्म कर, तेरी मौत दूर हो गई। जितने पैदा होंगे जब तक पैदा होते रहे तब तक सारी चीज तुमको देते रहो, चाहे 8, 10, 20, 50 जितना हो कोई दिक्कत नहीं, सब तेरे हाथ में दे देंगे। यही उपाय था बचाने का। प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोच ये कृपणामी माम सुता मेरी जायरन मृत्युर्वान नम्रिय तच। प्रदाय मृत्युवे पुत्रान, मृत्युवे मैंने कंस के लिए, या मृत्यु शब्द से कंस है, कंस के लिए मैं अपने पुत्रों को देकर के इमां कृपणा मोचिए, इस समय जो मुसीबत में फंसी हुई यह दीन भाव में उपस्थित देवकी को मैं अभी बचाऊंगा। सुता मेरी जायरन, यदि मेरे पुत्र होंगे मैं उसे दे दूंगा, और उसको मार डालेगा तो ठीक है। और ये भी हो सकता है वो क्या इनको मारे, हमारे पुत्रों से पहले खुद ही मर जाए कंस, ये भी हो सकता है। सुता मेरी जायरन मृत्युर्वान मृत चेत, फिर वो मृत्यु कौन कंस, यदि मानो नहीं मरा तो फिर दो ही रास्ता रह जाता है, हम कंस को दे देंगे बच्चे, या तो बच्चे मरेंगे उसके हाथ से, या बच्चे के हाथ से वो मर जाएगा, दो में होना है, हो नहीं दो यद भविष्य तद भवत, चिंता क्यों करना उसका। वही करे मृत्युर्वान अम्रिय चेत, मृत्यु मैंने कंस यदि मरता नहीं है तो तदा विपर्ययो वा किन्न स्यात् गतिर धातुर दुरत्या उपसितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापते। विपर्ययो वा किन्न स्यात्, क्या कह सकेंगे हम, उल्टा भी चल सकता है, कोई कोई तो छोटे बच्चे होंगे वो कैसी तरह बड़ा कंस को मारेगा मामा को, कहते बात ऐसा कोई भरोसा नहीं, विधाता का खेल है ये, विधाता कब क्या कर दे, बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप को मार देते हैं, संसार में कितनी घटनाएं चल रही हैं। इसलिए कहते हैं विपर्योग किन्न स्यात् गतिर धातुर दुरत्यया, वो धाता ब्रह्मा जी का जो गति जो लिखा है ना उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। उपस्थित हो निवर्तेत, कभी एक बार उपस्थित ही निवृत्त हो जाता है, निवृत्त पुनरापतित, जो निवृत्त है वो पुनः लौट जाता है, ऐसा उल्टा सीधा होता हुआ दुनिया में देखने को मिलता ही है। निवृत्त पुनः कालांतर आपते चेतदा ना अपराध मित्यर्थ, तब तो हमारे क्या अपराध होगा बताओ। मत प्रपसित मृत्यु अस्याह वदाद यो निवर्ते सब पुनर अनेन सन्मांत्रेण भवे देवैति, दोनों अर्थ लिया दोनों प्रकार से घटा रहे। अग्निर्यता दार वियोग योग यो हो अदृष्ट तो अन्य निमित्तमस्ति एवं जंतोर विदुर विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। जंगल में आग लगता है किसको पता, कब लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, लग गया बाद जब भयंकर होता है दुनिया को पता लगता है, आसपास गांव वाले सब अरे क्या हो गए, कहां से धुआं आ रहा, कहां से इतना बड़ा। वह अग्नि का संयोग जंगल में, उसका संयोग और क्या उसका वियोग दाता ही जानता है, कोई कुछ नहीं जानता। वही कहता है अग्नि रहता दारु वियोग योग अदृष्ट तो अदृष्ट ही वह कारण है, अन्य निमित्तम अस्ति अन्य कोई निमित्त नहीं हो सकता। एवं जंतो और विदुर विभाव्य, इसी प्रेम जीवों का भी जो संयोग और वियोग, शरीर का संयोग शरीर का वियोग के कारण
कोई जान नहीं सकता है। कब शरीर का जन्म होगा, कब शरीर का मौत है, यह कोई नहीं जानता। बैठे बैठे अभी एक खांसी होकर खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बैठे बैठे आज सो जाएगा, सोते सोते खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसे क्या पता है? इसलिए कहता है कोई नहीं जान सकता। ये सब चिंतन कर रहा है, ये सब चिंतन अभी चल रहा है, दृढ़ निश्चय की ओर जा रहा है वसुदेव। बोलेगा बाद में कंस के सामने, एवं विमृश्यतम पापम यावद आत्मनिदर्शनम पूजयामास वैश्वरीर बहुमान पुरस्सरम। एवं विमृश्य, इस प्रकार से विचार करके, तम पापम, पाप प्रधान पाप बुद्धि वाला जो कंस है, तम पापम यावद आत्मनिदर्शनम, कहते कि जब तक जो है आत्मदर्शन नहीं होता, तब तक प्राणी नाम दृष्टंच दुर्मितम, उसको लेकर कर यावत आत्मदर्शन मानी स्वप्रज्ञावधि विचार्य, जितनी अपनी बुद्धि चिंतन कर सके, सोच के समझ सकती है, उतनी उसने पूरी जोर लगा दी वास्तव, उसको कहते हैं यावत आत्म ने बुद्धि निदर्शन, उसकी सामर्थ्य को घटा लिया उसने, घटा करके तम पाप विमृश्य, उस पाप का पाप प्रधान होता उस कंस से इन बातों को कहता है। पूजया मास वही शौर्य, शौर्य जो है उसको पहले प्रसन्न करता है कंस को, बहुमान पुरस्सरम, बहुत मान आदि सम्मान आदि के द्वारा उसको प्रसन्न करके श्रेष्ठता को बता, अरे तुम राजा हो, तुम महान हो, ऐसा करके पूजित कर दिया उसको। प्रसन्न वदनाम भोज नृशंसम निरपत्रवम मनसा दूयमानेन व्यसन्निदम अब्रवी। प्रसन्न मुख कमल से युक्त वह वसुदेव, वह निरशंस भयंकर जो निर्लज्ज मन के द्वारा भी दूय माने पीड़ा देता हुआ व्यक्ति जो उसको देखता हुआ न मुस्कान आ नहीं रहा है, जबरदस्ती मुस्कान आ रहा है, क्या कहता है वसुदेव वाच। वसुदेव कहने लगे, नहीं अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वे साहा शरीर वाक पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्तितम्। कहते अस्या ते भयम न, हे सौम्य, हे मेरे प्रिय कंस, सुनो भाई, तुम्हारा भय इस कन्या से नहीं है, तुम्हारे बहन से इसका भय नहीं। कंस कहते स आह अशरीर वाक, क्योंकि वह अशरीर वाणी ने जो कहा, सा अशरीर वाक आह, वह अशरीर वाणी ने जो कहा है उसके अनुसार तुमको तो इस देवी से कोई भय नहीं होना चाहिए। पुत्रान समर्पयिष्ये, तुमको भय किससे है? अष्टम पुत्र से, बल्कि मैं आठवां ही नहीं हूं, पूरे ही दे दूंगा तेरे। पुत्रान समर्पयिष्ये अस्याः, इसके जितने पुत्र होंगे मैं सारे जितने दे दूंगा। यतस्ते भयमुत्तितम, जिससे तुम्हारे अंदर भय पैदा हुआ है। ये नहीं तो नीचे टीका में देखो, यथा मैंने ये भी पुत्र ते भयमुत्तितम, टीका में देखो, जिन पुत्रों से तेरे को भय पैदा हो रखा है वह मैं तुमको दे दूंगा। इसका मतलब क्या? कन्या पैदा होंगे तो नहीं दूंगा, यह अर्थ हुआ। पुत्रों को नहीं दूंगा ऐसा अर्थ नहीं, कहां से निकाल रहा, जबरदस्ती अर्थ निकाल रहा है। वो देता नहीं ऐसी बात है, तो कृष्ण भाग्य बहुत अलग चीज है। ये कहां बोला कि मैं नहीं दूंगा, ये जबरदस्ती अर्थ निकालते कथा कर लो गुटपटांग अर्थ सब। वो तो भगवान स्वयं चले गए, आदेश दे मुझे ले जाओ वहां छोड़ो, नहीं तो थोड़ी, वो तो देने को तैयार, उसको क्या फर्क पड़ना है, भगवान जाने उसकी लीला जाने। मैं तो अपने सच्चा बना रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बिल्कुल है ही है। एक एक संतान को दे दिया उसने, इसको किसी को छोड़ा है। बल्कि नीचे टीका में और भी करे, टिप्पण में देखो, और भी कहता दस नंबर टिप्पण में, ये तो ये भी भयम तान, जिन जिन से तुमको भय उन सबको दूंगा, न तू यस्मायुतम तम, लेकिन जिससे उत्पन्न हो रखा है उसको नहीं दूंगा। जिससे मतलब क्या? देवकी से, देवकी से पैदा हो रहे हैं ना, उसको मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवकी से जो पैदा हो रहे हैं तो देवकी को मैं तुम्हें नहीं दूंगा मारने के लिए, जिससे पैदा हो रहे उसको नहीं,
जो पैदा हो रहे हैं जिनसे तुमको असली बद है उनको मैं तुम्हें दूंगा, ये टिप्पणी स्पष्ट कर रहा है। इति गुड़ो अभिप्राय, यही यहां पर गुड़ अभिप्राय है तात्पर्य। अतः काल उपावृत्ते देवकी सर्व देवता पुत्रान प्र नहीं एक छोड़ दिया। श्री गोवाच सुखदेव महाराज कहते हैं ससुर वधान निवृदे कंसस्तद्वाक्य सारवित वसुदेवो पितम प्रीत प्रशस्य प्राविशत गृहम। कंस उस वसुदेव के वाक्य के सार को जान रहा है, समझ रहा है, अतः अपने बहन का वध करने से निवृत्त हो गया और वसुदेव भी प्रसन्न होकर के उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर की ओर चला गया, प्रवेश कर गया। सर्व सर्वात्मा भगवान एव देवता यस्यासा सर्वदेवता। अतः काल उपावृत्य देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम। अतः काल उपावृत्य, जैसे जैसे काल बदलते गया वैसे वैसे देवकी जो है सर्वदेवमयी देवता है। देवकी कैसी है? सर्वदेवतामयी हो चुकी है। सर्व सर्वात्मा भगवान एव देवता यस्या, भगवान ही है देवता जिसका, ऐसी वह देवकी है। सर्वदेवतामयी वह देवकी आठ पुत्रों को एक पुत्री सहित जन्म दे दिया। पुत्रान अष्टौ कन्यांचैव अनुवत्सरम, प्रतिवर्ष एक एक को इस प्रकार से क्रमशः जन्म देती गई प्रसूति काले प्राप्त। कीर्तिमंतम प्रदमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण स्वनृत्तादति विह्वलः। पहला लड़के का नाम कीर्तिमान था, उसको प्रथम है वो जन्य, ऐसे उस कीर्तिमान को कंस के लिए आनंद दे दिया। कृच्छ्रेण प्रसन्नता पर थोड़ी दे सकता है, बड़ा हृदय को पत्थर बना करके अर्पण कर दिया। सो अनृताद अति विवाह, क्यों ऐसे किया? कहते क्योंकि वह अपने जबान का झूठा होने का भय से विह्वल था, अतएव अपने वचन की सत्यता को निभाने के लिए ही वह बड़क हृदय को पत्थर बना करके दे दिया। किंतु सहनु साधूनां विदुषां किम अपेक्षितम् किमाकारिं कदर्याणां दुस्त्यजं धृतात्मनां। बहुत सुंदर बात करे, किंतु सहन साधूनां, साधुओं के लिए ऐसा कौन सा दुख नहीं है जो उनका सहन नहीं कर सके। गुरुणा भी दुखेण न विचार लेते, भयंकर से भयंकर दुख का वे तो भी जो साधु पुरुष होता है वो विचलित नहीं होता है। वसुदेव महान संत पुरुष होने के नाते वो इस भयंकर दुख में विचलित नहीं हो रहा। विदुषाम किम अपेक्षित, विद्वान के लिए तो क्या अपेक्षित है संसार में? कुछ भी अपेक्षित नहीं, अकिंचन होते हैं वो। न विद्यते किंचनापि ममत्वम या फलत्वेन ग्राह्य ग्रहीतुम यस्य स अकिंचन, अकिंचन पुरुष होते हैं संपूर्ण। और किम अकार्यम कदर्याण, और नीच आदमी तो उसके लिए क्या अकार्य होगा, वो सब कुछ करने को तैयार होगा। दुस्तजंगिंग धृतात्मना, जिसने धैर्य को धारण कर लिया है, धृतात्मा जो होते हैं उन लोगों के तो कहना ही क्या है, उनके अंदर दुस्तेज क्या होता है। अनायास हर चीज को त्यागने में वो तैयार रहते हैं, उनके लिए त्याग ही भूषण, संग्रह उनके लिए बड़ा कठिनाई हो जाता है। दृष्ट्वा समत्वंत छोरे सत्ये चैव व्यवस्थितिम कंसस्तुष्ट मना राजन प्रसन्निधम अब्रवी। शौर्य है समत्व दृष्टवा, उस वसुदेव का समत्व बुद्धि को देखा, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयो, ये सब का है। समत्वम योग उच्यते सिद्ध सिद्धो समय पुत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि सुखो दुखो फलो अफलो कुछ भी हो सभी में जो है प्रसन्न रहने वाला, ऐसा शौर्य को देख करके सत्य अपने वाक्य का सत्यता के लिए निष्ठा को उसका देख करके कंस का मन भी बदल गया। कंस भी बड़ा प्रसन्न हो गया, तुष्ट मना कंस, हे राजन प्रसन्न मुस्कुराते हुए कंस ने वचनों को कहा, प्रतियातु कुमारोयम नहीं अस्मादस्ति में भयम अष्टमादि
अष्टमाद्युवयोर गर्भात मृत्युर्मेव विहित किला। अरे इस बच्चे को ले जाओ, ये तो पहला पैदा हुआ लड़का, इसको ले जाओ, इसको मैं नहीं मारू। मेरे को जो खतरा, जैसे शरीर वाणी के आठवें पुत्र से खतरा है ना, इसलिए इसको ले जाओ। बड़े बड़े दया आ गया उसके अंदर, देखो सत्य के सामने कितनी सामर्थ्य है। अगले के हृदय को पिघला दिया, फिर बिगाड़ेंगे क्योंकि पाप की घड़ा भराना भी है ना, लीला गड़बड़ा जाएगा, नारद जी काम करेंगे फिर। हाँ, दृष्टवा समतंत चौरे सत्य चौस्थितम कंस तुष्ट मना राजन प्रहसन निधम प्रवी। क्या कहता है? प्रतियातु कुमोर कुमार वयम, इस कुमार को वापस ले जाओ भाई, ले जाओ। नहीं अस्माद अस्ति में भयम, इस बच्चे से मेरे को कोई भय नहीं। क्यों? अष्टमात युवयोर गर्भा, आपके गर्भ के आठवें गर्भ से ही मृत्यु में विहित अकेला, मेरा मृत्यु विहित है, इसलिए मैं आठवें को मारना चाहूंगा। पहले के सात को तुम्हें अर्पण करने कोई जरूरत। तथेति सुतमादाय ययौ आनक दुन्दुभिः नाभ्यनन्द तद् वाक्यम् असतो अविजितात्मनः। ठीक है भाई, जैसे तुम कहते हो वैसा ही करूंगा। ऐसा कर अपने पुत्र को लेकर वापस चल पड़ा। सुतमादाय ययौ आनक दुन्दुभिः वसुदेव, इन हृदय से जानता है खल दुष्टों की भरोसा नहीं होता, कह तो रहा ले जाओ, इन कोई उल्टा पढ़ाते हुए क्या करके क्या भरोसा है इसका, कब कर दे कोई भरोसा नहीं है। इसे कहते नाभ्यनंद तद वाक्य, कंस के उन वचनों से उसके हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? असत पुरुष है, अविजितात्मना, अपने अंतकरण पर कोई नियंत्रण नहीं, अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं। कल उल्टा कोई कह दे तो उसी अनुसार नाचने वाला है। जो पर बुद्धि पर चलने वाला होता है उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो आदमी 10 साल से पूछे काम करने वाला होता है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा है नहीं उस आदमी, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर बिना कोई उल्टा सलाह दे देगा तो उसी अनुसार चल पड़ेगा। इसीलिए किसी से कोई बात कहना हो, किसी काम कराना हो, कुछ पर सोचना पड़ता है। आदमी जैसा है, यहां काम बताया उसने हाँ करके चला गया और रास्ते में पूरा पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोगों को काम देने से क्या फायदा, आपका काम होगा ही नहीं। होते ऐसे बहुत ज्यादा, और भी बहुत खराब आदत वाले होते हैं। आप उनको कहते पानी लाओ, उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, कहते ही जाएंगे और आएगा ही नहीं पानी, भी मर जाओगे। क्या फायदा, ऐसे लोगों को बोलने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि वह देखो, वो जानता है ये असत पुरुष है और अविजित अंतकरण वाला है, इस पर अंतकरण पर उसको कोई अधिकार नहीं, नियंत्रण नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर देता। नंदाद्याये व्रजे गोपा याश्च अमीशांच योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याय दुस्त्रियः सर्वे वै देवदा प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसम मनोव्रताः। नंदादि जो भी लोग व्रज में गोप ग्वाल बाल याश्च मिशांच योषित, जो उन लोगों की स्त्रियां हैं, बेटियां हैं वगैरह, वृष्टि वंशी जितने भी वसुदेव आदि देवकी आदि ये स्त्रियां, सर्वे वही देवता प्रे, सब के सब प्राय देवता लोग ही है, सब के सब देवता लोग। उभयोर भी भारत, हे भारत, चाहे वृष्णिवंशी हो चाहे यदुवंशी हो, सब के सब देवता पाई। ज्ञादयो बंधु सुहृदो ये कंस मनोव्रता, जो कंस का अनुसरण करने वाले लोग अन्य भी है, ज्ञाति बंधु बांधव मित्र आदि, वे भी सब वास्तव में देवता ही है, सब के सब क्वचित और राक्षस हैं उनके छोड़कर। विचित्र है, भगवान कृष्ण की लीला में देखिए कुल भगवान कृष्ण मारेंगे कितने राक्षसों को, विचार करके देखेंगे आप। जितनी आपकी कलाएं चंद्रमा की बढ़ती और घटती उतनी ही होते हैं, उतने राक्षसों को, कुछ तो स्वयं साक्षात, कुछ अपने अंश बुद्धा बलदेव के द्वारा।
मारे कुल इतनी और पत्नियां कितनी? आठ प्रमुख। कुल स्त्रियां कितनी थी? अष्टदा प्रकृति। उतने को ही लिया और प्रकृति के विकार उनको नाश कर दिया। उसी प्रकृतियों की सहायता से प्रकृति ने विकारों को निवारण करना, इसने सब देवता लोग पैदा हो रहे सभी की जगह। ये तत्कंसाय भगवान शशंसभ्यपेत्य नारद भूमेर भारायमानानाम दैत्यानां च वदोद्यमम्। लेकिन कंस के लिए भगवान नारद जी पहुंचे वहां और अभ्यपेत्य अभ्यत्य पास आकर के शशंस उसको समझाया, देखो भाई भूमेर भारायमानानाम दैत्यानाम, भूमि के भार पुता इन दैत्यों का वध के लिए तैयार होकर के भगवान अनेक रूप से आए हुए हैं, ये सब के सब इसीलिए ही आए तेरे को मारने। वो आठवां ही नहीं मारेगा, ये मत सोचो आठवां मारेगा, तुम्हारी गलत सोच है, आठवां ही नहीं मारेगा। ये जितने हैं ना नंदवंशी वृष्णवंशी यदुवंशी, ये सब तेरे को मारने के लिए आए, ये सब उसी भगवान की लीला में साथ देकर तुमको मारने के लिए ही आयु हुए, सबको खत्म करना चालू कर दी। और दूसरा कहता है कोल में खड़े कर दो आठ आदमी को, वृत्त में, वृत्त शब्द है, वृत्त में खड़ा कर दो तो कहीं से भी गिनो आठवां प्रत्येक हो जाएगा। इसे पहला ही आठवां हो सकता है, अरे मूर्खता किया तुमने छोड़ करके, बंगालो अभी मार दो उसको। बड़ी विलक्षण लीला है, इसका रहस्य विचार करेंगे।